अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू अवर क्लास चेंजिंग डेज इंटू वीक्स। ओके, टुडे वी लर्न अबाउट चेंजिंग डेज इंटू वीक्स एंड वीक्स इंटू द डेज। ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 126 इन योर मैथ्स रीडर। नाउ यू सी हाउ वी कैन चेंज द डेज इंटू द वीक। दिनों को हफ्तों में कैसे बदलते, देखिए यहाँ पे। वी नो दैट 7 days मेक अ वीक, राइट? वी ऑलरेडी नो दैट एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 days होते हैं। सो 4 weeks मेक्स अ मंथ। 4 weeks, 4 हफ्तों को मिलाकर जो है एक महीना होता है। वन मंथ हैज 30 और 31 days। एक महीने में कितने डेज होते हैं, आइदर 30 days और 31 days, या तो 30 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं, राइट? नाउ विल सी हाउ टू कन्वर्ट द डेज इंटू द वीक। सी हियर एग्जाम्पल, कन्वर्ट 90 days टू वीक। वॉट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू कन्वर्ट 90 days इंटू द वीक्स। 90 days को जो है हम लोगों को हफ्तों में बदलना है। सो वी नो दैट 7 days, दैट इज इक्वल्स टू 1 week। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देन सेकेंड स्टेप, डिवाइड 90 days बाय 7। यहाँ पे हमें क्या करना है, 90 days को 7 days से डिवाइड करना है। ओके, सो 7 ones are 7, then what we'll do here, we'll subtract this, right? So this 9 minus 7, how much, 2, right? So 9 minus 7 will get 2, then here 0 is there, so we'll take down this 0 here. Now this number became as 20, then 7 twos are 14, then again we'll subtract this 0 minus 4, not possible. Here we have to take one borrow. So this 0 became as 10. 10 minus 4, 6. Now this 2 became as 1 because we have given one borrow. So 1 minus 1, 0. यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहले multiply करेंगे. 7 ones are 7. इसके बाद हम इसको minus करेंगे. 9 minus 7, 2 हो जाता. फिर ये जो 0 है उसको हम यहाँ पे downside ले लेंगे. अब ये 2 जाके क्या हो गया हमारा, 20। देन अगेन विल मल्टीप्लाई, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, अगेन विल सब्ट्रैक्ट, फिर से माइनस करेंगे। 0 माइनस 4, 0 में से हम 4 नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे हम, बोरो करेंगे। बोरो करने के बाद ये 0 जाके क्या हो जाता, 10 हो जाता। 10 माइनस 4, 6। यहाँ पे जो 2 था वो 1 हो जाता, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 1 दिए थे, बोरो दिए थे ना, तो 1 माइनस 1, 0। सो आवर आंसर इज 6 days। द क्वेश्चन गिव्स द वीक्स एंड द रिमाइंडर गिव्स द डेज। 12 weeks 7 days, 90 days को हम वीक्स में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या मिल गया हम लोगों को, 12 weeks 6 days, 12 हफ्ते और 6 दिन। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, चेंजिंग वीक्स इंटू द डेज। जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में देखे हम कैसे कन्वर्ट करते थे, सेम वैसे ही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले हम क्या करेंगे, वीक्स को गिवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर लेंगे। सो कन्वर्ट 3 weeks 5 days 2 days, 3 हफ्ते 5 दिन को दिनों में बदलना है। सो 3 into 7, बिकॉज 1 week कंसिस्ट 7 days, 3 sevens are 21, 21 days, देन विल ऐड दिस 5 days इन दिस 20 days, 21 days plus 5 days। नाउ विल ऐड दिस 1 plus 5, 6, देन 2 एज इट इज, सो 26 days। अवर आंसर इज 26 days। क्या किए हम यहाँ पे हफ्तों को दिन में बदलने के लिए, यहाँ पे देखिए 3 weeks और 5 days को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 sevens are 21, हम लोगों को 21 days मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन में 5 days भी गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे, 21 में 5 days को भी ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। सो 21 plus this 5 विल गेट 26, 26 days इज अवर आंसर। विल कन्वर्ट 3 weeks 5 days इंटू डेज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट द डेज इंटू वीक्स एंड वीक्स इंटू द डेज। विथ दिस वी हैव कम्प्लीटेड अवर चैप्टर अबाउट द टाइम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वट वेर वी हैव लर्न इन अवर प्रीवियस क्लासेस एंड टूडे ऑल्सो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।